हेलो ऑल द क्लास सेवन स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम इन माय चैनल द साइंस मास्टर ब्रिजेश ओझा। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके अगले चैप्टर में के बारे में, जिसमें हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में जानेंगे। और इन चेंजेस के बारे में जानने से पहले आप लोग जानते हैं कि हम सभी लोग जो हैं बहुत तरीके के चेंजेस अपने आसपास में देखते हैं। इन्वायरमेंट में चेंजेस अगर हम अपने आसपास देखें, अपने प्लेग्राउंड में, घरों में, बहुत तरीके के चेंजेस को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें से कुछ चेंजेस तो बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही फ्रिक्वेंट है। आप अपने घरों में ही देख लीजिए, फ्रिज के जो आइस बॉक्स होते हैं, कई बार उसमें बर्फ जम जाती है, और जब उनका टेम्परेचर डाउन होता है या अगर हम लोग डिफ्रॉस्ट करते हैं तो वो सारा का सारा बर्फ जो है पिघल जाता है। पानी अगर उसमें फिर से रख दें जमाने के लिए तो फिर से पानी जम जाता है। पानी को बॉयल करते हैं, इवापोरेट होता है। हम लोग वाटर साइकिल के बारे में भी बहुत कुछ चीज़ें जानते हैं इसके पहले से। तो बहुत तरीके की चीज़ें हमारे आसपास में हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जब खाना बनाते हैं हम लोग, जो सब्जियां कच्ची रॉ वेजिटेबल्स हैं, जब उनको कुक करते हैं तो उनका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज हो जाता है। तो बहुत तरीके के चेंजेस हमारे आसपास में दिखाई देते हैं, और उन्हीं चेंजेस के ऊपर में हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि ये चेंजेस क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं। तो चलिए इन्हीं के ऊपर में सीधे स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को। तो चेंजेस हमारे अगर हम लोग बात करें तो दो तरीके के चेंजेस होते हैं। एक होते हैं रिवर्सिबल चेंजेस, यानी, और दूसरे होते हैं इररिवर्सिबल चेंजेस। तो रिवर्सिबल चेंजेस, जैसा नाम ही है, रिवर्स कर जाना, यानी चेंजेस जो हैं, द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशन, चेंजेस रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। ठीक है, जैसे हमने पानी को फ्रिज में रख दिया, वो बर्फ बन गया, आइस बन गया। आइस को फिर बाहर निकाल देंगे कुछ समय तक, अगर उसको वैसे ही छोड़ देंगे तो वो बर्फ जो है पिघल करके फिर से पानी बन जाएगा। रबर बैंड है, उसको स्ट्रेच किया और छोड़ दिया तो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस, चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्सिंग कंडीशन। अगर कंडीशन को रिवर्स करते हैं तो ये चेंजेस फिर से परिवर्तनशील नहीं होंगे, यानी इनको फिर से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, कागज को जला देंगे तो फिर क्या जले हुए जो राख है उससे फिर से कागज बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाएंगे। हालांकि चेंजेस जो है हमारे आसपास में, दो तरीके के चेंजेस होते हैं। जो चेंजेस होंगे वो कितने तरीके के होंगे? चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स। एक को कहते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक है, फिजिकल चेंजेस, और एक को कहते हैं हम लोग केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, इनके बारे में बात करेंगे। तो फिजिकल चेंजेस के बारे में सबसे पहले जानेंगे और जानेंगे कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और इनके प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंजेस के बारे में और जानते हैं फिजिकल चेंजेस को। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस क्या है? द चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। कह रहा है कि ऐसे चेंजेस जिसमें उनके केवल फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं। चेंजेस किस में आएंगे? उनके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आएंगे, लेकिन उनसे कोई नया सब्सटेंस जो है बन करके तैयार नहीं होता है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे
अगर आपने कागज ले लिया और कागज को फाड़ दिया, बहुत सारे कागज के टुकड़े हो गए, जैसे हमारे पास में एक कागज है और इस कागज को, ये कागज आप देख रहे हो, इसको हमने फाड़ दिया, बहुत सारे टुकड़ों में चेंज कर दिया, इसका जो फिजिकल अपियरेंस है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले एक बड़ा सा कागज हुआ करता था, अभी क्या है, ये कागज के पीसेज हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो कागज हमने फाड़ दिया, ये कागज फटने के बाद में सोने के टुकड़े हो गए या हीरे के टुकड़े हो गए या चांदी के टुकड़े हो गए, वो रहे कागज के टुकड़े ही ना, तो उनकी कोई आइडेंटिटी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो वही के वही रहते हैं, केवल उनका जो फिजिकल अपियरेंस है वो चेंज हो सकता है। पानी को अगर हम लोग जमा देते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, बर्फ को अगर पिघला देंगे तो वो पानी बन जाएगा। तो फिजिकल अपियरेंस में चेंज हुआ है, लेकिन उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उसमें किसी भी तरीके से बदलाव नहीं होंगे। पानी का भी जो केमिकल फार्मूला है वो H2O है, बर्फ का भी जो केमिकल फार्मूला है वो H2O है, स्टीम का भी जो केमिकल फार्मूला है वो H2O है, यानी उसके जो बनने वाले जो मेन पार्टिकल्स हैं उनके अंदर में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल चेंजेस कहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, रबर बैंड, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, रबर बैंड को स्ट्रेच करना फिजिकल प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये फिजिकल चेंजेस हैं। ग्राइंडिंग ऑफ सब्सटेंस, ग्राइंडिंग ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को पीस देना, ग्राइंड करना, मसाले पीस देना, तो जीरा, मिर्चा, हल्दी, अगर इन सबको ग्राइंडर में अगर लेकर के पीस देंगे तो उनकी क्या कोई फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस आएंगे, किसी भी तरीके के कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे। इसके अलावा हैमरिंग ऑफ मेटल टू फॉर्म थीन सीट, तो एक पतली सीट या चादर बनाने के लिए इसको अगर मेटल को पीटा जाए, इसको मैलेबिलिटी कहते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी, तो उसमें मेटल जो है थीन सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ। अगर लोहे का बना हुआ है तो लोहे की ही चादर कहलाएगी, अगर सोने का बना हुआ है तो सोने का ही पत्र कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये सब हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो ये सब हमारे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात हो गई। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी को जानते हैं, चलिए केमिकल चेंजेस के बारे में जाने। तो क्या कहता है केमिकल चेंजेस, द चेंजेस इन विच द न्यू सब्सटेंसेस विद द न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड आर नोन एज द केमिकल चेंजेस। कह रहा है ऐसे चेंजेस जिसमें नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ में फॉर्म होते हैं उनको हम लोग केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल के थ्रू चलिए, तो कह रहे हैं कॉपर सल्फेट एक केमिकल सब्सटेंस होता है, कॉपर सल्फेट जिसका कलर ब्लू होता है, अगर उस सोल्यूशन में आप लोग ऐसे मान के चलिए कि हमारे पास में ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने कॉपर सल्फेट रखा है, CuSO4 इसका फॉर्मूला होता है, और इसमें एक आयरन नेल डाल दिया है, लोहे की जो कील होती है नेल यानी कटिया कांटी जो है इसके अंदर में डाल दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर में डाल दिया, इसका कलर कैसा है, ब्लू है। थोड़ी देर के बाद अगर हम देखेंगे तो इस टेस्ट ट्यूब का जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, और इसके अंदर में ये जो कील पड़ी हुई है इसके ऊपर में कुछ ब्राउन कलर के सब्सटेंसेस जो है दिखाई देंगे, ब्राउन सब्सटेंसेस। तो ब्राउन ये क्या है, ये कॉपर जो है इसके ऊपर में जमा हो जाएगा और इसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और ये क्या बना देगा, आयरन सल्फेट बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कलर में चेंजेस आ गए, यहाँ पे इसका ब्लू कलर था लेकिन थोड़ी देर तक इसमें आयरन नेल डाल करके हमने छोड़ा तो आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना दिया, आयरन सल्फेट बना दिया, और कॉपर जो है हमें कहाँ दिखाई देगा, इसी आयरन के ऊपर में जमा हुआ दिखाई देगा। तो ये हमारे केमिकल चेंजेस हो गए, इसका जो कलर था वो अलग था, इसका कलर जो है वो बिल्कुल भी अलग है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, करें मैग्नीशियम एक तरीके का मेटल है, अगर इसे एयर में जलाते हैं
तो जलने पे वो बड़ी तेज जो है व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, और जो राख बनती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड से और उस लाइट से हम फिर से मैग्नीशियम तो बना नहीं सकते, तो यहाँ पे टोटली डिफरेंट जो सब्सटेंसेज हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस के नाम से जानते हैं। तो बहुत तरीके के केमिकल चेंजेस हैं जो हमारे आसपास में होते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, तो क्या होते हैं, द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंजेस ऑकर्स, इन विच द केमिकल चेंजेस ऑकर्स आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। इनको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दो भाग होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंसेस जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन होने की वजह से जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसको समझने के लिए आप देखिए, यहां पे आप देख रहे हो जो कॉपर सल्फेट और आयरन नेल, ये सब क्या है, ये सब रिएक्टेंट है, ये सब क्या है, ये रिएक्टेंट है। ठीक है ना, दीज आर नोन एज द रिएक्टेंट, दीज आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। और क्या बन रहा है, आयरन सल्फेट और कॉपर बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है ना, तो जो रिएक्टेंट किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लिए उससे क्या बना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, यानी आयरन सल्फेट और कॉपर का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पर भी जैसे आप कोई लीनियर इक्वेशन या कोई इक्वेशन अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसके भी कुछ पार्ट होते हैं, LHS होता है, RHS होता है और बीच में इक्वल टू का मार्क होता है। तो यहां भी एक एरो है, तो एरो क्या शो करता है, रिएक्शन के डायरेक्शन को शो करता है कि ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, तो आयरन सल्फेट और कॉपर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहां पे हम लोगों ने जाना कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होंगे, उसके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग जानेंगे थोड़ा सा कि चलिए देखिए, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे यहां पे। और पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है जुड़ना। तो जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक साथ जुड़ करके कोई एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इसको यहाँ पे दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, तो जुड़ करके एक कंपाउंड बनाया सिंगल, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, एंड इट इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि दो सब्सटेंसेस जुड़ करके एक सब्सटेंस बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन ठीक उसका उल्टा है, यानी एक कोई सब्सटेंस जो है वो डिकम्पोज होता है, टूटता है, और वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। आपके घरों में जो खाने वाला सोडा होता है, जो हम लोग अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स घर में बनाते हैं तो उसमें डालते हैं खाने वाला सोडा, तो यह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसको गर्म करते हैं तो यह क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, इससे वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में ये टूट गया, तो एक सब्सटेंस था और इतने सारे प्रोडक्ट में टूट गया, तो टूटने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है, कह रहा है कि दिस इज द प्रोसेस
in which the highly reactive element displaces the less reactive element from their solution. अभी हम लोगों ने पहले भी देखा था कि कॉपर सल्फेट में अगर आयरन नेल को डाल दें तो वो क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर का फॉर्मेशन होता है. तो ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का होता है, उसमें एक आयरन नेल हम लोगों ने डाल दिया और जब डाल दिया तो आयरन की जो रिएक्टिविटी होती है वो कॉपर से ज़्यादा होती है. तो आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना लिया, आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर अलग हो गया. तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, और भी होते हैं जो थोड़े से आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पढ़ने और समझने में आसानी होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बात करते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, दिस इज द प्रोसेस इन विच द सर्फेस ऑफ आयरन कोरोडेड इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन. कह रहे कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अगर आयरन का सरफेस, जैसे हम अपने घरों में देखते हैं दरवाजे अगर लोहे के बने हुए हैं, विंडोज अगर लोहे के बने हुए हैं, तो कुछ समय तक रहने के बाद में उनके ऊपर में हम देखते हैं कि रस्ट जो है एक पपड़ी की तरह स्ट्रक्चर जो है उनके ऊपर में फॉर्म हो जाता है, एक पाउडरी सब्सटेंस जो है ब्राउन कलर का उनके ऊपर में फॉर्म होता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं. द रस्टिंग ऑफ आयरन इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर डिपॉजिटिंग ओवर द सर्फेस ऑफ आयरन. जब आयरन के सर्फेस के संपर्क में एयर और मॉइस्चर आता है तो उससे उसका सर्फेस जो है धीरे धीरे कोरोड होने लगता है और इसी कोरोजन के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, आयरन के लिए रस्टिंग के प्रोसेस के नाम से जानते हैं. यहाँ पे इस केमिकल फॉर्मूले के थ्रू आपको बताया गया है किस तरीके से हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, इस आयरन के वजह से अगर रस्टिंग अगर हो जाती है तो हमें बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आयरन अगर एक तरीके से देखें तो इजिली अवेलेबल और सस्ता मेटल है जिसको हम यूज़ करके अपने लिए दरवाजे, विंडोज़ और इस तरीके की चीज़ें जो हैं तैयार कर सकते हैं. लेकिन अगर रस्टिंग होगी तो उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. तो इस रस्टिंग की कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं. जैसे पहला है हमारा बाई पेंटिंग. तो अगर हम आयरन से बनी हुई चीज़ों को लगातार अगर पेंट करेंगे तो उससे उसका सरफेस जो है कवर रहेगा और वो डायरेक्टली एयर और मॉइस्चर के संपर्क में नहीं आएगा, जिससे रस्टिंग नहीं होगी. दूसरा है बाय ऑयल एंड ग्रीसिंग. जो आयरन से बने हुए सामान होते हैं जैसे हमारे साइकिल का चेन वगैरह है, तो अगर बरसात के दिनों में अगर उसको चलाते हैं तो आप देखते हो कि पूरा लाल लाल हो जाता है. तो जब चलाते हो तो खरखर खरखर की आवाज़ भी आती है उसमें से. लेकिन अगर उसमें ऑयल या मोबिल ऑयल अगर आप डाल देते हो तो थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाता है. तो वो जो रस्टिंग है, जो सरफेस है उसका, वो ऑयल और ग्रीस के संपर्क में आने से इजिली एयर और मॉइस्चर के संपर्क में नहीं जाता है, जिससे रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है. बाय कोटिंग ऑफ जींस, दिस इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जिंक इज कोटेड ओवर द आयरन ऑब्जेक्ट. जो लोहे के पानी के पाइप्स वगैरह होते हैं हमारे घरों में, जो पानी के पाइप्स होते हैं उनको आप देखोगे तो उनके ऊपर में सिल्वरी कोटिंग होती है. वो सिल्वरी कोटिंग किसकी होती है, जिंक की होती है. और जिंक की कोटिंग की वजह से आयरन का जो सरफेस है वो डायरेक्टली वाटर या मॉइस्चर के संपर्क में नहीं जाता है, जिससे रस्टिंग से उसको बचाया जा सकता है. तो इस जिंक की कोटिंग के प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन. ठीक है, इसी तरीके से बाई एलॉइंग, एलॉय करके. एलॉय का मतलब क्या होता है, मिश्र धातु होता है. एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु. तो अगर आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट को दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में, जैसे आयरन को क्रोमियम और निकिल के साथ में अगर एलॉय कर दिया जाए तो उससे क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है. जितने हमारे घरों में बर्तन हैं वो सभी के सभी कैसे हैं, स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं और दिन भर पानी में रहते हैं फिर भी उनमें जंग नहीं लगती है. तो एलॉय करके भी प्रिवेंशन किया जा सकता है. तो ये सब हमारे कुछ केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल रहे और इस चैप्टर को हम लोगों ने यहाँ पे समझने की कोशिश की. तो इस पूरे चैप्टर को हम लोगों ने अभी तक डील कर लिया. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा. अगले चैप्टर को लेकर के आप लोगों के बीच में जल्दी ही प्रस्तुत होंगे. टिल देन गुड बाय.